कल हम लोग पूरी पहुंचे गांव के बाद और आज चिल्का लेक आए हैं। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑन माय चैनल एक्सप्लोर आपका। अब आज हम लोग जो है नंदनकानन जू आए हैं भुवनेश्वर में और जू पहुंच गए हैं। सुबह निकले थे पूरी से, फिर चिल्का गए थे, चिल्का में नहीं घूमे लेकिन नंदनकानन जो है वो घूमने आए। और देखिए ये एंट्री है, टिकट हाथ में, आप गाड़ी भी ले सकते हैं और पैदल भी घूम सकते हैं। हम लोगों ने पैदल घूमने का डिसाइड किया है, बड़ी मेहनत से भाई एंट्री हुई, बड़ा सकरा रास्ता है एंट्री करने के लिए। टिकट स्कैन करके फिर वो लोग करते हैं। और ये देखिए सामने का जो फ्रंट व्यू है, ये दिखाता हूँ आपको, ये फ्रंट व्यू है। और ये आरिफ अपनी उल्टी कैप पहन के मस्ती में, अपनी अलग ही मस्ती में रहते हैं। अब गाइड मैप देखते हैं क्या है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा घूमा जाएगा। मेन अट्रैक्शन तो वाइट टाइगर, उसके बाद आरिफ को और क्या पसंद आता है बंदर वगैरह दिखाएंगे, जितना हो सकेगा दिखाएंगे, फिर घुमाएंगे फिर वापस। इधर पीछे बच्चों के लिए पार्क है, चिल्ड्रंस पार्क है। क्या बोला है, क्या हो रहा है? हाँ आरिफ, क्या हो रहा है आरिफ, कहाँ जा रहे हो? आरिफ जो है अपनी मस्ती में है, आरिफ पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। अब डर लग रहा है उसको, तेज हो रहा है ना सर। जल्दी आओ यस। पीछे लेपर्ड है, लेपर्ड पता नहीं आपको दिख रहा है कि अभी दिखेगा, वो दिख रहा है सामने लेपर्ड। पानी पीने जा रहा है। टाइगर देखा? हाँ बोलो टाइगर देखा। चलो दो टाइगर।
अरे टाइगर बियर, स्लॉथ बियर, चलो बियर देखें। भालू भालू किधर है? भालू अरे स्लॉथ बियर है ना, स्लॉथ बियर। चलो आगे देखें और क्या दिखता है। वो देखो वीडियो में आयशा भालू देखा, भालू बियर बियर है बियर। हाँ देखो एक किधर है, सो गाइज वेलकम अगेन। आज थर्ड डे अब हम लोग रिटर्न हुए हैं भुवनेश्वर से। कल हमने नंदनकानन जू वगैरह घूमा और ये सब के बाद रात में अपना होटल में रुके, फिर सुबह आज निकले थे आराम से और रास्ते में डिकैथलॉन पड़ता है वहाँ थोड़ा देर रुके। उसके बाद अब जो है इस बार हम लोग रूट दूसरा ले रहे हैं, जो आते टाइम घटशिला वगैरह होके आए थे इस बार क्यूंजर होके जा रहे हैं। पहाड़ियों के बीच में से घूमते घामते जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। अभी ये तो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि थोड़ा सा स्ट्रे एनिमल ज़्यादा है, जैसे गाय भैंस वगैरह और ड्रग्स वगैरह ज़्यादा है। अदरवाइज सीनरी जो है वो आसपास सामने पहाड़ दिख रहे हैं, साइड में पहाड़ दिख रहे हैं, तो सिमली पार्क नेशनल पार्क वगैरह होके जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे। अब आगे जब गिंडी आएगी पहाड़ आएंगे तो आपको वहाँ दिखाते हैं। क्या नज़ारे हैं, क्यूंजर डिस्ट्रिक्ट में अभी हम लोग चल रहे हैं और 164 किलोमीटर रह गया है, करीबन 7:45 तक जमशेदपुर पहुँचेंगे। लेकिन ये रूट लेने का मेरा मकसद यही था कि जंगलों के बीच में से होते हुए और शानदार नज़ारे आपको दिखाते हुए, बहुत ही सीनरिक और सूदिंग टू द आइज, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है जानवर वगैरह को लेके, बाकी रोड्स अच्छे बने हुए हैं। मैं 80 के आसपास चल रहा था और 65 की स्पीड लिमिट है वैसे, अभी मैं अभी करीबन 70 में चल रहा हूँ, लेकिन पीछे जहाँ खुला हाईवे है वहाँ पे 80 भी आराम से चल सकते हैं। और बहुत ही आसपास आपको जो ट्राइबल कम्युनिटी के घर हैं और बाकी जो देसी कंट्री साइड जो देखने को हाईवे पर नहीं मिलता है वो इधर देखने को मिल रहा है। देखिए सामने बकरी वगैरह घूम रही है, ये सब थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कब कहाँ। देखिए ये आई बकरी अचानक, ये सब थोड़ा सा ध्यान रख के चलते रहिए, बाकी पूरा एंजॉय। तो आज यहाँ पे भी नहीं जाएगा हैं? अरे घर क्या जाएगा, अरे जामुन जामुन पूछे। ये देखिए रोड साइड में जामुन मिल रहा है, 10-10 रुपए में इतना जामुन है और पत्ते देखिए कटोरी बनाया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ पे आम और लोकल जो है रोड साइड में लेडीज ने लगा के दुकान लगाई हुई है। चलिए इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं।